महात्मा गांधी के 101 अनमोल विचार। आप जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं, वह सबसे पहले खुद में लाएं। जहां प्यार है वहां जीवन है। व्यक्ति अपने विचारों का निर्माण करता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खुद को खो देना। शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। आपकी मान्यताएं आपके विचार बनते हैं, आपके विचार आपके शब्द बनते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बनते हैं। अहिंसा सबसे बड़ी ताकत है जो मानवता के पास है। दुनिया में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, वो हमेशा लोगों के विचारों से हुए हैं। खुशी तब होती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें सामंजस्य हो। क्षमा करना बहादुर का गुण है। ईश्वर का कोई धर्म नहीं है। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। सत्य कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, गलतफहमी से ही डर लगता है। सत्य एक है, मार्ग कई है। स्वतंत्रता का कोई मूल्य तब तक नहीं है जब तक इसमें गलतियां करने की स्वतंत्रता न हो। जो लोग अपनी गलती स्वीकार करने का साहस रखते हैं, वे महान होते हैं। सच्चा धर्म मानवता की सेवा करना है। अपनी गलती को सुधारने में कभी संकोच न करें। महानता सेवा में निहित है, अधिकारों में नहीं। सच्चाई ही ईश्वर है। अहिंसा एक साधन नहीं है, यह एक मंजिल है। धैर्य का फल मीठा होता है। भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं। एक राष्ट्र की महानता और नैतिक प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह अपने पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। किसी की गुलामी स्वीकार करना सबसे बड़ा अपराध है। सच्चाई और अहिंसा मेरा धर्म है। सच्चा शांति का अर्थ युद्ध का अभाव नहीं बल्कि प्रेम की उपस्थिति है। पृथ्वी हर मनुष्य की जरूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन हर मनुष्य के लालच को नहीं। सत्य का पालन करने वाले को कष्ट सहना पड़ता है। स्वराज का मतलब आत्मशासन है। अगर इंसान अपने अंदर की अशांति से बाहर निकल सकता है तो दुनिया की हर समस्या का हल पा सकता है। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अगर आप किसी काम में विश्वास करते हैं तो उसे पूरा करने का साहस रखें। स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। जीवन की सबसे बड़ी ताकत उसकी सादगी में है। अधिकार तभी मिलते हैं जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। धैर्य रखे, हर चीज का समय आता है। किसी को भी अपने आत्मसम्मान को नष्ट करने की अनुमति न दे। संसार के सभी धर्म सत्य है। किसी व्यक्ति की महानता का माप उसकी संपत्ति से नहीं बल्कि उसके आचरण से होता है। खुद पर नियंत्रण पाने वाला सबसे शक्तिशाली है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना हमारी जिम्मेदारी है। बिना जोखिम उठाए जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं होता। सच्चा साहस कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का पालन करना है। भविष्य के लिए चिंता छोड़ दे, वर्तमान का आनंद ले। प्रेम ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो दुश्मन को भी दोस्त बना सकता है। विश्वास बिना कर्म के कुछ भी नहीं है। जो समय की कद्र करता है वही सफलता पाता है। इंसान का असली मूल्य उसके विचारों में होता है न कि उसकी बाहरी सफलता में। जो समय का सदुपयोग नहीं करता वह जीवन में कभी सफल नहीं होता। स्वाभिमान किसी भी कीमत पर नहीं बेचा जा सकता। अहिंसा का मतलब कमजोरी नहीं है बल्कि यह सबसे बड़ा साहस है। खुद को बदलने की शक्ति ही जीवन को बदल सकती है। सच को किसी भी रूप में छुपाया नहीं जा सकता। शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके गलतियों के बावजूद भी आपके साथ खड़ा रहे। ईश्वर का नाम केवल होठों से नहीं कर्मों से लिया जाना चाहिए। हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करें। अपनी मर्जी से जीने का नाम ही स्वतंत्रता है। कठिनाई में अपने लक्ष्य को मत भूलो। आपके पास जो भी संसाधन है उनका सदुपयोग करें। ईश्वर को हर जगह देखना ही असली भक्ति है। हर दिन को एक नया अवसर समझे। अहिंसा की ताकत से ही सच्चा परिवर्तन संभव है। अपने आचरण को ऐसा बनाए कि लोग आपका आदर करें। सभी के लिए प्रेम और सेवा ही सच्चा धर्म है।
शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली आपका आचरण होता है। असली खुशी दूसरों की भलाई में है। सही रास्ता कभी आसान नहीं होता, पर यही सबसे सही होता है। खुद को दूसरों की तुलना में नहीं, बल्कि खुद के अनुसार बेहतर बनाएं। माफी एक शक्तिशाली हथियार है। जिसे अपने आत्मबल पर विश्वास है, वही सच्चा साहसी है। हर व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से होती है। समझदारी उसी में है कि आप किसी की निंदा न करें, दुनिया को समझने की कोशिश करें, उसे बदलने का प्रयास करें। आपका वास्तविक धर्म आपका आचरण है। हर जगह शांति और प्रेम का प्रचार करें। जो लोग अपने गुस्से को नियंत्रित करते हैं, वही सच्चे योद्धा है। हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करें। आपके विचार ही आपकी शक्ति है। अपने आप पर भरोसा करना सच्ची स्वतंत्रता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव रखें। शांति के बिना जीवन में कोई स्थायित्व नहीं। सपनों को साकार करने के लिए एक उद्देश्य जरूरी है। सत्य का पालन करने वाला हमेशा विजयी होता है। हर किसी में अच्छाई देखे और उसे बढ़ावा दे। आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बने। हर व्यक्ति के अंदर एक अनंत शक्ति होती है। जितनी हो सके उतनी सादगी अपनाएं। जिस चीज की उम्मीद आप खुद से रखते हैं, वही दूसरों से करें। समय की सही पहचान ही सफल व्यक्ति की निशानी है। खुद पर संयम रखना ही सबसे बड़ा अनुशासन है। जीवन में धैर्य बनाए रखें, सफलता जरूर मिलेगी। महात्मा गांधी के इन विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे ये आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।